सुप्रभात बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हमारा फिर से वही पाठ 8, आनंद ही आनंद। इसके पहले भाग में हमने आधी कहानी देखी थी, तो पहले हम देखते हैं कि हमने पहले क्या देखा था। पाठ 8, आनंद ही आनंद में हमने एक बच्चे की कहानी देखी थी। जो बच्चा ये बता रहा था कि वो एक दिन जू घूमने गया था, मतलब चिड़ियाघर गया था। वहां पर जाकर उसने बहुत सारे लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा। उसमें एक परिवार भी था जिसमें दो बच्चे रोते हुए आ रहे थे और उनके पिता उन्हें घसीट रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक शेरनी 2-4 दिनों से कुछ नहीं खा रही है और गुर्राए जा रही है। जो भी उसके पास जाता है उस पर वो झपटती है। पूछने पे ये पता चला। उसके 2 दिन बाद जब दादाजी अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को बुलाया, जिसमें वो लड़का और उसकी बहन जिसका नाम था वैदेही, दोनों दादाजी के पास आए। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी, आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। दादाजी ने समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी थी कि शेरनी, जिसे उस दिन उन्होंने इतने भयंकर, इतने डरावने रूप में देखा था, वो आज बहुत शांत है। गर्जना मतलब उसकी तेज आवाज है ना, जो अपनी तेज आवाज में गुर्रा कर सबको डरा रही थी और आज कितनी शांति से एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। तो उस लड़के ने जिज्ञासा से पूछा, कुत्ते के बच्चे से? दादाजी ने हंसकर कहा, हाँ। उन्होंने बताया कि ये पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया था। रक्षक होते हैं चिड़ियाघर के गार्ड जो होते हैं, जो चिड़ियाघर की देखभाल करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, है ना? तो वो सारे कहलाते हैं रक्षक। तो ये पिल्ला एक कुछ दिनों पहले रक्षकों की नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी, पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। अचानक शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। शेरनी को उस पर बहुत प्यार आया और वो उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह से प्यार करना अच्छा लगा। वो खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा और शेरनी भी प्रसन्न थी, मतलब खुश थी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा, जब वो शेरनी को खाना दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि शेरनी पहले मांस का टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर खुद खाती, क्योंकि वो दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसलिए शेरनी अपने खाने को पहले पिल्ले को देती और फिर खुद खाना खाती। रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया, मतलब रक्षकों ने एक दूसरे को बात समझाने की कोशिश की कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार ना दे। शेरनी को ऐसा लग रहा था कि पिल्ला उसका छोटा बच्चा है, लेकिन जब उसे ये पता लगेगा कि ये उसका बच्चा नहीं है तो वो गुस्से में आकर उसे मार नहीं दे। ऐसा वहां के रक्षकों ने सोचा। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा, मतलब बिजी, व्यस्त मतलब बिजी, जब उन्होंने देखा कि शेरनी खाना खा रही है तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। तो उन्होंने पिल्ले को उठाया और पिंजरे से बाहर लिया है। वो उसकी अच्छे के लिए किया था, वो ये सोच रहे थे कि शेरनी कहीं इसको वापस मार ना दे,
इसलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई, इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद से ही वो गुर्रा रही है, गरज रही थी, और खाना पीना भी उसने बंद कर दिया था। जब शेरनी खाना खाकर वापस आई तो उसने देखा कि पिल्ला उसे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से से वो गुर्रा रही थी और उसने अपना खाना पीना भी बंद कर रखा था। 4 दिन बीत गए थे। 4 दिनों से शेरनी ने कुछ नहीं खाया था, वो बस गुर्राए जा रही थी। रक्षक भी भयभीत थे, भयभीत मतलब डरे हुए थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी, क्योंकि शेरनी की देखभाल करना उनका काम था। यदि शेरनी बीमार पड़ेगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। क्या करें, पिल्ला निकला तो था पर गया कहाँ। पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। हर कोई चिड़ियाघर में पिल्ले को ढूंढ रहा था कि वो पिल्ला कहाँ चला गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। बाहर एक दुकान थी। दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। वहां चिड़ियाघर के बाहर एक दुकान थी। वहां पे एक दुकानदार का बेटा था। उसने उस पिल्ले को उठाया और उसे अपने घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहां अनशन कर रखा था। अनशन का मतलब होता है कुछ नहीं खाना पीना, ठीक है। तो वहां पिल्ले का भी यही हाल था जो शेरनी का था। शेरनी ने भी खाना पीना बंद कर रखा था और पिल्ले ने भी खाना पीना बंद कर दिया था। रक्षक पिल्ले को वहां से ले आए। जब उन्हें पता चला कि पिल्ला वहां है तो वो उसे वहां से जाकर ले आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है, पिल्ला भी प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब खुश है, इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। मतलब कि जब शेरनी और पिल्ला वापस मिले तो दोनों खुश थे और दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आनंद मतलब खुशी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें जानवरों के प्रति दया का स्वभाव देखना चाहिए। हमें जानवरों से प्रेम और दया करना आना चाहिए। ये पाठ आपको ये सिखाता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर और खुशी खुशी रहना हमें जानवर भी सिखा सकते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।